कुरुंथियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 10वां अध्याय। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरो। क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। सो जो ऐसा कहता है कि वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने, या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं, और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है।